हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है इडली की, और यह इडली मैंने सूजी से बनाई है। साथ में हम बनाएंगे मूंगफली और तिल की चटनी। बस फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ये इडली बहुत स्पंजी और बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक डोंगा लिया है और इस डोंगे में मैं इस बाउल से 2 बाउल सूजी डाल रही हूँ। हम जितना सूजी यूज़ करेंगे उतना ही हमें दही यूज़ करना है। मैंने इसी बाउल से 2 कप सूजी लिया है तो मैं इसी से 2 कप दही ले रही हूँ। आप किसी भी बर्तन से मेजर करें तो बस आप उनकी क्वांटिटी बराबर रखिएगा दही और सूजी की, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी ये नहीं सोचें कि बहुत गाढ़ा है बहुत पतला है, अभी इसको सिर्फ मिक्स करना है और फिर उसे हमें कुछ देर के लिए छोड़ना है। कम से कम आधा घंटे के लिए हमें इसे छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो चलिए, जब तक इसे ये रेडी होता है हम चटनी की तैयारी करते हैं। मैंने पैन चढ़ाया है और उसमें मैं 3 स्पून कच्ची मूंगफली ले रही हूँ और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मूंगफली की चटनी भी बहुत टेस्टी होती है और इसका टेक्सचर क्रीमी टाइप होता है। आप एक बार ट्राई करिएगा। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। और बिल्कुल ठंडा नहीं, थोड़ा सा जब हल्का सा गर्म ही रहेगा तो इसके हमें छिलके निकाल लेने। साथ में हम 1 चम्मच तिल को भी रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो तिल की मात्रा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम में तो क्या फ्रेंड्स, कम क्या करेंगे, पर हाँ अगर आपको तिल का टेस्ट और चाहिए तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल और इसे अच्छे से तेल में भूनेंगे। साथ में फ्रेंड्स, मैं तीखेपन के लिए हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ। वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको कितना यूज़ करना है। अगर आपको नहीं भी यूज़ करना है, आपको नहीं है तीखी चटनी पसंद, तो आप मत डालिए, और पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़े से फ्रेश कड़ी पत्ता, इससे चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो चलिए बनाते हैं चटनी। मैंने मूँगफलियों के छिलके निकाल लिए हैं और उसे जार में डाल रही हूँ। साथ में तिल, और जो दाल मिर्ची कड़ी पत्ता हमने डाला था, आप इसमें अदरक लहसुन धनिया का पत्ता जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। खट्टेपन के लिए हम इसमें इमली का पेस्ट, अमचूर पाउडर, नींबू का रस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अभी नींबू का रस यूज़ किया है। मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। और अब मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी ग्राइंड हो गई है और देखिए लग रही है ना बहुत क्रीमी क्रीमी। ये देखिए, तो चलिए अब हम चटनी का तड़का रेडी करते हैं। पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें तेल गरम होने पे राई डालेंगे और राई को अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। साथ में कड़ी पत्ता डाला है
ये देखिए मेरी राई तड़कने लग गई है और साथ में मैंने इसमें 4 सूखी लाल मिर्ची डाल दी है और अब हम इसे अच्छे से थोड़ा पकने देंगे और ये पक के रेडी हो गया और अब मैं इसे चटनी में डाल दूंगी। तो देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है, इसे मिक्स कर देते हैं और अब चटनी तो हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इडली बनाएंगे। तो देखिए ये मिक्सचर चेक करते हैं, ये देखिए कितना थिक हो गया है। इसमें सूजी और दही ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर दिया है। अब हमें इसे थोड़ा सा धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से हो सकता है कि हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो हमें इसे एकदम से बहुत पतला नहीं करना है, तो हम इसे धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। देखिए ऐसे, अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। धीरे धीरे पानी डालने से फ्रेंड्स हमारा मिक्सचर सही रेडी होगा, अगर हम एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसे धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ, मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके लिए थोड़ा तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए पैन चढ़ाएंगे, पैन में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम राई डालेंगे और साथ में हम जीरा डालेंगे। और जीरा और राई को अच्छी तरीके से पकने देंगे। उसके बाद चना दाल, उड़द की दाल, और मैंने थोड़ा फ्लेवर के लिए इसमें काजू भी डाले हैं। काजू को मैंने चॉप कर दिया है और कड़ी पत्ता, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरा पक के रेडी हो गया है। अब मैं इसे सूजी और दही के मिक्सचर में मिक्स कर दूंगी। तो चलिए मिक्स करते हैं। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इडली रेडी होके फ्रेंड्स बिल्कुल मार्केट जैसी इडली लगेंगी, जो मार्केट में मिलता है ना रेडीमेड मिक्सचर, उसके जैसे रेडी होंगी हमारी इडलियाँ। अब इसमें मैं 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनो भी यूज़ कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा डालने के बाद 2 मिनट तक इसे अच्छे से चलाना है ताकि बेकिंग सोडा हमारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब चलिए इडली बनाते हैं। इडली की बनाने के लिए इडली स्टैंड में हम उसके सारे सांचों में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और सबको ऐसे रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मिक्सचर डालेंगे और मिक्सचर हमें बिल्कुल भर के नहीं डालना है फ्रेंड, थोड़ा स्पेस खाली छोड़ना है, क्योंकि जब हमारी इडली फूलेंगी तो उन्हें स्पेस चाहिए, और अगर हम भर के डाल देंगे तो हमारी इडली अच्छे से बन नहीं पाएंगी। इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और अपनी सारी इडलियाँ ऐसे रेडी करनी है। और देखिए मैंने अपना सारा मिक्सचर स्टैंड में डाल दिया है और अब मैं इसे पकाने के लिए रखती हूँ।
और मोस्टली फ्रेंड्स ये 7 to 8 मिनट में रेडी हो जाएंगी। मैंने पतीली में पानी पहले से हल्का सा गर्म कर रखा है और अब मैं साथ में इसमें ढक्कन लगा के 7 to 8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखिए 7 to 8 मिनट हो गए हैं और हमारी इडली रेडी हो गई है। देखिए फूल गई है ना, तो अब हम इसे निकालते हैं और ये बहुत सॉफ्टली देखिए बर्तन से कैसे अलग हो जा रही हैं। ऐसे ही हम सारी इडलियाँ निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाइएगा। देखिए फ्रेंड्स मेरी सारी इडली रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी स्पंजी सॉफ्ट सॉफ्ट और फूली फूली सी बनी है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से। देखिए अंदर से अच्छे से पकी है और कितनी स्पंजी बनी है, तो इसका तो टेस्ट ही अलग है फ्रेंड्स। आप बनाइएगा ज़रूर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।